हेलो गाइस, इट्स अर्शद विद अनदर वीडियो। स्पॉट काउंसलिंग राउंड वन में जिन लोग का नाम नहीं आया है और जो मैक्सिमम रैंक गई थी वो गई थी 59,000 के आसपास। अगर आप उसमें लाई नहीं करते हैं और आपका नाम अभी तक स्पॉट काउंसलिंग में नहीं आया था और आप चाहते हैं दोबारा से राउंड टू में रजिस्ट्रेशन करना, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे हम खोलेंगे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो हर बार की तरह यहाँ पे हम सीट अवेलेबिलिटी देख लेंगे। तो आप लोग पहले चेक कर लेना, यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूशन नेम डालेंगे। गाइस, अब यहाँ पे बनते हैं दो केस। पहले केस में ये है, जो आपने स्पॉट काउंसलिंग राउंड वन में अपनी चॉइसेस फिल करी थी, अगर वो यहाँ पे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यूपीटीटीआई का और मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने स्पॉट काउंसलिंग राउंड वन में अपनी चॉइस मैन मेड फाइबर दी थी और उसमें अभी भी वैकेंसी है, तो जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करेंगे। और अगर बाय चांस जो आपने पहले अपने प्रेफरेंस दिया था वो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं और आप चाहते हैं कोई अपनी नई चॉइस डालना, तो आप जाएंगे यूपीएससी की वेबसाइट पे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाके और आप यहाँ पे करेंगे रजिस्ट्रेशन और बाकी आगे की प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। मेरी पिछली वीडियो उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे हम केस वन को लेकर चल रहे हैं कि हमारी जो राउंड वन की चॉइसेस थी अभी भी उनमें वैकेंसी बाकी हैं और हम अपनी पिछले एप्लीकेशन को दोबारा से प्रिंट करना चाहते हैं राउंड टू के लिए। और इसके अलावा अगर वैकेंसी नहीं बची है तो आई बटन में आपको मैंने बता दिया है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं, उसको फॉलो करें। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चेक करता हूँ और सर्च, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके मतलब की सीट यहाँ पे है, तभी आप राउंड टू के लिए आगे बढ़ें। और यहाँ पे नोटिस भी है स्पॉट काउंसलिंग राउंड टू के लिए, तो इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। 13 अगस्त को आपको 9 बजे सुबह जाना है लखनऊ, अगर आपका नाम लिस्ट में आता है। रजिस्ट्रेशन आपको 10th और 11th अगस्त में ही करना है। दोबारा से यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस और 70,000 का DD आपको बनवाना है फाइनेंस ऑफिसर AK2U लखनऊ। अगर आप ऑलरेडी पहले से ही DD बनवा चुके हैं तो वही DD यहाँ पे काम आ जाएगा, आपको दोबारा से वो काम करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस, हम यहाँ चलेंगे रजिस्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन है ऑलरेडी रजिस्टर्ड और आप यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद आप अपने राउंड वन का एप्लीकेशन लेटर जो प्रिंट हुआ था उससे उठाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे इनपुट करेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है, मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो जो आपने स्पॉट काउंसलिंग राउंड वन में जो भी आपने एंट्रीज करी थी तो आपको उसको ही यहाँ पे डालना है। तो गाइज, आप लोग स्पॉट काउंसलिंग राउंड वन का एप्लीकेशन फॉर्म लेके बैठे यहाँ पे और उसके बाद हम करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट और उसके बाद वेरीफाई। बस गाइज, आपको यहाँ करना एक काम है, आप यहाँ पे जाएंगे व्यू एंड प्रिंट और इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज चेंज है, इधर लिखा हुआ है स्पॉट काउंसलिंग सेकंड राउंड, तो आपको ये प्रिंट करना है जिससे पहला वाला आपका एप्लीकेशन फॉर्म था वो अब खत्म हो चुका है, उसका कोई काम नहीं है, तो इस बार आपको ये प्रिंट करना है। बस आप इसको प्रिंट कर लेंगे, हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, बस आपको काम हो गया। आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का जो कि होपफुली 12th of August को आ जानी चाहिए। तो गाइस, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहें और आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपडेटेड रहें। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।